होगा कि उसने इतनी अच्छा अपनी एक फिल्म के लिए उसने इतना अच्छा काम सीखा। ऐश्वर्या राय, उन्होंने कितनी अच्छी स्वॉर्ड फाइटिंग की। लड़कियों उस लेवल की स्वॉर्ड फाइटिंग सीख लो ना। कटरीना कैफ, उस बंदी ने अपनी हिंदी पे इतना काम किया, डांस देखा कितना अच्छा करती है। मतलब ये वो लोग हैं जिनको जिनको ये समझती कि भैया हमें अपने टैलेंट से आगे बढ़ना है। दीपिका पादुकोण, उनको मतलब जब भी उनका ब्रेकअप हुआ था सर के साथ, रणवीर जी के साथ, उन्होंने गला फाड़ फाड़ के कहा कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। लेकिन उस बंदी ने उस पर कम बैक किया, चीज़ों को समझा, ये समझा कि भैया मेरी लाइफ मतलब यहीं पे ही इसी इंडस्ट्री में रह के काम करना है, अब उठो अब काम करो, सिंपल सी बात है। अनुष्का शर्मा, रब ने बना दी जोड़ी जब फिल्म आई थी, कितना बढ़िया काम किया था। यशराज की फाइन थी, वो तो किसी स्टार किड नहीं थी वो तो। रणवीर सिंह के लिए सब कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए देके फिल्म बनाई, चलो ठीक है बना भी दी, आई अग्री। भाई उसके बाद तो उसके पापा ने कहीं पैसा नहीं दिया। रामलीला में उस बंदे ने जो एक्टिंग की है, उस बंदे ने लुटेरा में जो एक्टिंग की है, कितनी अच्छी एक्टिंग की है। और दूसरी बात ये कि चलो ठीक है, जैसे ये भी बात है कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ओके नहीं मिला प्लेटफॉर्म, आई अग्री। अब ये एक अलग टॉपिक है प्लेटफॉर्म का मिलना, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है प्लेटफॉर्म का मिलना। मेरा एक बहुत सिंपल सा कहना है कि प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला, ये तो सब लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म ढूंढा? आपने कितनी ऑनेस्टी के साथ तलाश की, आपने कितनी ऑनेस्टी के साथ कोशिश की, या फिर आप कितना लगे हुए हो अपने टैलेंट को प्रूव करने में? बात तो ये है ना कि अपना ऑडिशन तो देखो सबको अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा, अपना ऑडिशन सबको अच्छा लगता है। बात ये कि आपको ऑडिशन दूसरों को अच्छा लगे, यूट्यूब पर डालो ना, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज है, यूट्यूब है, यूट्यूब पर अपना चैनल बना लो। TVF वालों ने क्या किया, अपना चैनल बना लिया ना। बात यहाँ पर ये है कि अगर ये आपकी लड़ाई है, आपको सबसे पहले वेल इक्विप्ड होना है और फिर उसके बाद लड़ना है, लड़ना ही है। हम जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स नहीं होती, कॉर्पोरेट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होता? हमारा बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे साथ तो कितनी अच्छी बात है कि हमको पैसे मिलते हैं बहुत अच्छे, फेम मिलता है बहुत अच्छा, कॉर्पोरेट वाले तो बेचारे मर जाते हैं, नहीं मिलता उनको। और दूसरी बात ये, हमारी फील्ड में कम कंपटीशन है। आपको पता है IAS के लिए कितने एस्पिरेंट्स हैं? आपको ये पता है कि जब आप बाहर निकलो तो MBA करके कितने बच्चे निकले हुए हैं, हर दूसरे बच्चे ने MBA किया हुआ है। बॉम्बे में तो फिर भी आपको कितने लोगों से कम्पीट करना है, आई थिंक कितने होंगे, कितने लाखों में ही होंगे, 5-6 लाख लोग होंगे, या 10 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, 50 लाख होंगे जो स्ट्रगलर, मतलब स्ट्रगलर भी एक गलत वर्ड है, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे एक्टिंग करने के लिए, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे कंपटीशन 5 लाख लोगों से है, तो आप लड़ रहे हो, तो आप परेशान हो रहे हो, तो आप इतने एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आप उनकी सोचो जिनका कितना हर कदम पे इतना स्ट्रगल है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। यहीं पर रिलेटेड मैं एक और टॉपिक की बात करना चाहती हूँ, जो मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट देखी थी, कोई हमारे कोई दोस्त है, उन्होंने एक पोस्ट किया था, और वो ये था कि कास्टिंग एजेंसीज में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप को कास्ट कर लेते हैं, और फिल्मों वगैरह में सीरियल में वही आजकल यू नो काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब उन भाई साहब से ये कहना है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, एक मतलब सपोज हम XYZ किसी बंदे का नाम ले, एक कास्टिंग डायरेक्टर, जैसे मेरी एक दोस्त थी, एक कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अच्छी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी में ज्वाइन किया। उस टाइम पर मैं सीरियल के ऑडिशन देती थी या फिल्मों के ऑडिशन देती थी, लेकिन उन्होंने कास्टिंग में ज्वाइन किया, 3 साल तक उन्होंने कास्टिंग की। उस टाइम पर मैं रोज़ तैयार होकर जाती थी, 12 बजे सो के उठती थी, जिम जाती थी, डांस क्लास जाती थी, और उसके बाद मैं अपना एक्टिंग के ऑडिशन पे चली जाती थी, राइट? मैं अपनी बात बताई, मैं किसी और की बात करी नहीं थी, छोड़ो मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ आपको, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू टेल फॉर अदर्स एंड पीपल ऑफेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट मी माई सेल्फ। उसके बाद मेरी उन दोस्त को 3 साल तक मैं ये ट्राई करती थी, मुझे कुछ खास काम नहीं मिला, लेकिन ये था कि मैं एटलीस्ट अपनी मर्जी का काम कर रही थी, मतलब मैं वो कर रही थी जो मैं करना चाहती थी, यानी कि मैं एक्टिंग में ट्राई करना चाहती थी, मैं ऑडिशंस दे रही थी, ठीक है।
उन्होंने जॉब की, उन्होंने ऑब्वियसली एक रूटीन में बंधी वो, उन्होंने कोई डांस क्लासेस नहीं की। वो रात रात को 12-12 दो दो बजे तक वो लोग कास्टिंग करते थे, तो उनके आंखों में काले गड्ढे आ गए थे, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो सो कॉल्ड दैट ब्यूटीफुल पर्टिकुलर पर्सन नहीं रह गई थी। हम सोशल सर्कल से वो बिल्कुल कट गई थी। जब भी हम बोलते थे कि चलो मिलते हैं, तो वो बोलती थी कि नहीं यार मेरे को एक असाइनमेंट है, हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमको कल लॉक करके देना है, उनका ये होता था। तो ये वो, और कई बार तो ऐसा होता था कि बेचारी बहुत स्ट्रेस में होती थी, क्योंकि उनको इतनी टेंशन होती थी कि यार मतलब ना कि मतलब काम बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि उस बंदी ने उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब कि हम आप में से बहुत से लोग एक्टिंग में ट्राई कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड हम अपनी प्रिपरेशन करके और हम लोग ऑडिशंस दे रहे होते हैं, हम मतलब मौका ढूंढ रहे होते हैं फेमस होने का, उस पर्सन ने काम भी किया, अपने घर वालों को भी सपोर्ट किया, मतलब जो उसकी घर से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी, मतलब अपनी मतलब सिस्टर को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया भी। मतलब आज उनकी सिस्टर एक बहुत बड़े, मतलब जैसे कहते हैं एक बहुत बड़े उस पे हैं, ओहदे पे हैं, मतलब शी हैव बिकम हर सेल्फ अ बिग लॉयर, मतलब उन्होंने पैसे कमा के अपनी बहन को लॉयर भी बनाया। तो और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये हुआ कि उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी फिल्म में काम किया और उनको बहुत फेम मिला। तो मुझे ये बात, मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं लगती है, बुराई नहीं लगती है। अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करते करते अपनी भी कास्टिंग कर लेता है, तो इसमें कोई तो गलत बात नहीं है। मतलब डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी प्रोडक्शन हाउस किसी को इससे तो कास्ट नहीं कर लेता, क्योंकि वो बंदा उस कंपनी में सो कॉल्ड काम करता है। भाई टैलेंट तो ज़रूरी है ना। आपने जब ऑडिशन दिया, आपको ऑडिशन डायरेक्टर को अच्छा लगा होगा, उन 50 ऑडिशन में से आपका ऑडिशन अच्छा लगा होगा, तभी तो काम दिया होगा। और उसके बाद फ्रंट पर भी आपने जब परफॉर्म किया होगा, आपने इतना बढ़िया परफॉर्म किया होगा कि आप उस फिल्म में भी खप गए, मतलब आपने बहुत बढ़िया काम किया, तभी तो आप कर पाए ना, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है ना, तभी तो आपको काम मिल रहा है ना। तो ये एक्सक्यूज़ भी बहुत गलत है कि कास्टिंग डायरेक्टर को काम मिल जाता है। अरे भाई, एक वो उस टाइम पे वो जो एक्टर बनने की जो प्रिविलेज होती है ना, उसका त्याग कर देते हैं। और किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को ये नहीं पता होता कि अगला कौन सा असाइनमेंट है जिसमें मैं कास्ट होने वाला हूँ, या फिर मेरी कास्टिंग होने की उम्मीद है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं, अपने सपने को एक साइड पे हम रखते हैं कुछ टाइम के लिए, लेट्स फेस द रियलिटी, लेट्स वर्क। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरा एक फ्रेंड आकाश दबास। वो मुकेश छाबड़ा सर के साथ कास्टिंग करते थे, बहुत लंबे टाइम तक कास्टिंग की। हम एक ही थिएटर ग्रुप से हैं, मतलब दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिनेश खन्ना सर के साथ हमने काम किया। उन्होंने भी यही किया, उनका भी सेम प्रोसेस था। मतलब वो रात रात भर कास्टिंग करते थे, पूरा पूरा दिन बिजी रहते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए धीरे 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 धीरे। अरे भाई, जब आप इतना डेडिकेशन अपने काम में दिखाते हो, तो आपका जो ओनर होगा, आपका जो बॉस होगा, वो भी तो सोचेगा ना कि यार ये भी तो एक एक्टर है, ये अपनी इतनी मन को इतना सेक्रीफाइस करके आज यहाँ बैठा है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने अपने सर्वाइवल के लिए, तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दूँ। मेहनत तो वो भी बंदा कर ही रहा है ना। ये बात अलग है कि आप अपनी फील्ड पे मेहनत कर रहे हो, आपके अब वो अपनी फील्ड को सेक्रीफाइस करके अपनी एक अलग जोन में जाके मेहनत कर रहा है। हाँ, अगर उस दौरान आपके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं और आप उनको कैश कर पाते हो, तो देर इज़ नो हार्म ना। हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी होती है काम पाने की। आप अपनी स्ट्रैटेजी देखो ना, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आई मीन, इट्स वेरी इजी टू जज एनी वन, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द जर्नी, अंडरस्टैंड द पर्सन एंड इवेल्युएट विद योर सेल्फ। अगर आज कोई भी काम नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, या कोई जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा, तो उसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सही है या गलत है। इसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि सबकी अपनी जर्नी है, अपने अप्स एंड डाउन्स है, अपनी चॉइसेस हैं, अपने डिसीजंस हैं। आपको अपनी हुनर पे काम करना है, अपनी कला पे काम करना है, आपको लोगों से अच्छे से मिलना है, आपको बहुत प्योर रहना है और खुद से जुड़े रहना है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन, आई डोंट वॉन्ट टू अफेंड एनी वन, आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा और आप लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन ये मेरे लिए कहना ज़रूरी था, बिकॉज ये जो आप जो लोग ये कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे। इट इट हर्ट्स यार। आप ऐसे लोगों को डिसरिस्पेक्ट मत करो जो सिनेमा को, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है।
मतलब आप किसी को भी सिर्फ नेपोटिज्म की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी अपनी जान पहचान वालों को ही काम देंगे, और आप उनकी जान पहचान वाले नहीं हो। लेट्स फेस द रियलिटी एंड वर्क हार्ड एंड हार्डर, तो कोई भी गलत नहीं है। और दूसरी बात ये आप उन लोगों की बातें कर रहे हो जिन्होंने सिनेमा बनाया, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, ये आप उनकी बात कर रहे हो, तो डू नॉट डू दैट। हमें यहीं रहना है और अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत अच्छा काम करना है, और हम सब करेंगे, हम सबके साथ मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। हमें लड़ना है, हम वो कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा है और हमें अपने सपने को अचीव करना है। आई एम सॉरी इफ एनी वन आई हर्ट, बट लेट्स बी नाइस टू ईच अदर। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू फाइट विद एनी वन, दिस इज़ अ टाइम वेन वी शुड बी टूगेदर for cinema.